तो हेलो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 5.5 का पहला क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो बच्चों ये कह रहा है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। अब बच्चों और सेकंड बोल रहा है कि फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। तो पहले वाला पार्ट करते हैं, काफ़ी ईजी है ये। देखो अब बच्चों, अगर कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मुझे चाहिए, है ना, तो दो कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब बच्चों एक के बाद एक। तो अगर मैं लेट कर दूं, लेट अगर मैं लेट करूं कि लेट, अब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर को मैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर को अगर मैं एक्स ले लूं ना, तो सेकंड नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो सेकंड नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा वो कितना होगा बच्चों? एक्स प्लस वन। अब देखो ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता हूँ 1, 2, 3, 4, तो देखिए ये पहला नेचुरल नंबर है। अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब इस पे ना एक एक जुड़ता रहेगा। तो देखो 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 1 3, फिर 3 प्लस 1 4। तो ये क्या है बच्चों? ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, राइट। तो अगर मैंने लेट किया कि फर्स्ट नेचुरल नंबर एक्स है, तो जो सेकेंड नेचुरल नंबर होगा वो होगा एक्स प्लस वन। अब ये क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब इन दोनों का सम के साथ, और इसका स्क्वायर किसके बराबर? 61। मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू 61। अब बच्चों देखो, मैं इसको सॉल्व करूंगा और मेरे पे क्या आ जाने वाली है? बिल्कुल सही, जो चैप्टर है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स की मेरे पे दो वैल्यू आ जाने वाली, क्योंकि स्क्वायर होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 61। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2x² प्लस 2x, और बच्चों ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये पॉजिटिव इधर आके हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 61 माइनस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x² प्लस 2x इक्वल्स टू 60। ये 60 बच्चों पॉजिटिव का, इसको इधर ले आता हूँ मैं लेफ्ट हैंड में, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x² प्लस 2x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चों, मैं इस इन सब में दो कॉमन है, तो मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 60 होल अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? x² ठीक है प्लस x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बच्चों बस मुझे इसको सॉल्व करना है, तो बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पे एक्स की दो वैल्यू आने वाली है ना, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 30 है माइनस का, पर कोई बात नहीं, मैं 30 ही लिखता हूँ और इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। 2 1 जा ठीक है, 2 5 जा फिर हो जाएगा 5 5 3 जा और हो जाएगा 3 1 जा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये वाला 5, ठीक है। तो देखो 6 और 5 मेरे पे यहाँ पर बच गया, और अब मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। तो देखो अगर मैं एक काम करूँ, तो बच्चों देखिए 6 और 5 आया, तो मैं पॉजिटिव 6 करता हूँ और नेगेटिव 5 करता हूँ। तो देखो 6 5 जा 6 × -5 होता है 6, पॉजिटिव 6 × -5 होता है बच्चों -30, और प्लस 6 - 5 होगा बच्चों 1। तो ये देखो 1x ही है, बस अब मेरे को पता चल गया कि भाई पॉजिटिव 6 और एक नेगेटिव 5 है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाने वाला है बच्चों देखिए x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब मैं यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन होगा बच्चों? इन दोनों पे होगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 और यहाँ पे हो जाएगा -5, तो हो जाएगा x प्लस 6। तो बच्चों देखिए मेरे पे x की दो वैल्यू है, एक बार x की वैल्यू है -6 और एक बार x की वैल्यू है क्या? पॉजिटिव 5, ठीक है। तो देखिए तो जो ये है -6 तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर -6 आता नहीं है, नेचुरल नंबर में तो आएगा नहीं है -6, तो मेरे पे सिर्फ 5 होगी। तो भैया अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पे x 5 आ गया, तो देखिए x मेरे पे 5 आएगा, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ 5 आई, तो x मेरे पे 5 होगा, और जो सेकंड नंबर होगा वो हो गया मेरे पे x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 विच इज़ 6। तो 5 5 एंड 6 मेरा इस पहले वाले का आंसर होगा। अब ये सेकंड वाला पार्ट भी करते हैं नेक्स्ट।